तो रिसेंटली वन यूआई 7.0 के और भी कुछ नए फीचर्स आज 25 जुलाई को सामने आए हैं दोस्तों। तो इन सभी फीचर्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। साथ ही चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है डायनेमिक आइलैंड। ये फीचर हमें आईफोन्स में देखने को मिलता है डायनेमिक आइलैंड का, लेकिन वन यूआई 7.0 में सैमसंग भी अपना डायनेमिक आइलैंड डेवलप कर रहा है। यहाँ पर कोई भी अगर नोटिफिकेशन आएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पर शो करेगा। जैसे अभी कॉल है तो अभी कुछ इस तरह से कॉलिंग होते समय शो करता है स्टेटस बार में। और इसी तरह से और भी जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डर हो गया, क्लॉक हो गया, उन सभी एप्लीकेशंस में कुछ इस तरह से शो करेगा। जैसे क्लॉक का यहाँ पर हमें आइकन देखने को मिल रहा है, तो कुछ इस तरह से डायनेमिक आइलैंड में ये शो करेगा दोस्तों। यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डर में कुछ इस तरह से शो कर रहा है। तो कुछ इस तरह से अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पर टाइमर चल रहा है क्लॉक में, तो यहाँ पर स्टेटस बार में शो करेगा डायनेमिक आइलैंड। तो ये सबसे पहला फीचर है जो कि वन यूआई 7.0 में आने वाला है दोस्तों। सेकंड है न्यू कैमरा यूआई। तो कैमरा का जो यूज़र इंटरफेस है उसको सैमसंग रीडिज़ाइन करने वाला है। जो ऑप्शंस हमें टॉप में देखने को मिलते हैं उसको यहाँ पर बॉटम में शिफ्ट कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर फिल्टर हो गया, मेगापिक्सल चेंज करने का हो गया, रेशियो चेंज करने का ऑप्शन हो गया, सुपर स्टडी मोड हो गया, फ्लैश लाइट को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये सभी ऑप्शंस हमें अब बॉटम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ और चेंजेस भी किए गए हैं, जैसे कुछ फीचर्स हैं, जैसे डायरेक्टर व्यू है उसको डुबल रिकॉर्डिंग नाम से यहाँ पर ऐड किया गया है वन यूआई 7.0 में। इसके अलावा कुछ नए फीचर्स भी हो सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो रीसेंट टैब्स का हमें इंटरफेस देखने को मिलता है उसको भी सैमसंग वन यूआई 7.0 में चेंज करने वाला है। और वन यूआई 7.0 के साथ हमें कुछ इस तरह से रीसेंट टैब का इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ में नए एनिमेशंस भी ऐड करने वाला है सैमसंग। ये तीन चेंजेस आज सामने आए हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि नेक्स्ट वीक जो है वो वन यूआई 7.0 का फर्स्ट बीटा अपडेट आने वाला है दोस्तों। तो देखते हैं सैमसंग फ्यूचर में क्या करता है। और भी अगर कोई न्यूज आती है या फिर अपडेट आता है तो आपको मेरे चैनल पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।